फरमाइए जनाब। जनाब जब से चला गया दरबार मुंह खत्म हो गया, पूरा रोनाथ बाजार मिट गया है। दरबार मुंह वापस आना है, यहाँ के लोगों को आगे तरक्की करनी है, जम्मू को जिंदा रखना है, उसके लिए मेहनत करनी है। आप देखिए स्मार्ट सिटी है आपकी, ये कितनी लाइटें जल रही हैं आपके यहाँ, आपकी सड़कें कितनी खराब हो गई हैं, इन सबको ठीक करना है। और फरमाइए, कभी बंद नहीं होगा, क्या सोल्यूशन? हमें टूरिज्म का मुकाबला करना है बस। क्या सोल्यूशन? जैसे हमने मुकाबला किया बीमारियों का, इस बीमारी का भी मुकाबला करना है। 32 साल बहुत, घबराना नहीं है। जो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएंगे वो फेल हो गए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, मुकुट है, आगे भी मुकुट रहेगा। तो पाकिस्तान कभी नहीं यहाँ कामयाब होगा। और सब डेली वेजर को बड़ी उम्मीदें हैं कि नई सरकार बनी, जनाब सबको उम्मीदें हैं, मुझे खुद उम्मीदें हैं इस किस्म के, जम्मू कश्मीर तरक्की करेगा, यहाँ जो बेकारी है वो खत्म होगी, हमारे पढ़े लिखे जवान लड़के और लड़कियां अपनी नौकरियां करेंगी, ये रियासत आगे बढ़ेगी, वो करना है हमने। बाहर के आईएएस अफसरों को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, क्या सरकार उनको, जो स्टेट्यूट आएगा हमारे अफसर लगेंगे? क्या हम लोग, हमारे अफसर बेवकूफ हैं? जिन्होंने 75 साल इस रियासत को चलाया वो तो यहीं के अफसर थे, और ये रियासत सबसे बड़ी थी। याद है आपको जब गुलाम नबी आजाद ने पार्लियामेंट में दो रियासतों को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को, हर मुद्दे में जम्मू कश्मीर ऊपर था, इन 5 साल में हम नीचे गए हैं, हमें फिर इसको ऊपर ले जाना है। भाईचारे की कहीं है वो दूर करेंगे आने वाले भैया, अगर हम लोग इकट्ठे नहीं रहेंगे तो भारत नहीं इकट्ठे रह सकता। भारत जो है वो अनेकता में एकता है, हमने अनेकता को जिंदा रखना तब एकता होगी। भारत को एक रहकर रहना पड़ेगा, आप किसी धर्म से भी हो, कोई जुबान हो, हम सब भारतीय हैं, और जब तक हम भारतीय इकट्ठे नहीं रहेंगे भारत बना नहीं सकेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, ये दिवाली का त्योहार आने वाला है, लक्ष्मी से कहिए, मांगिए, इतनी दौलत दे भारत को, सारी दुनिया देखे कि भारत कहाँ खड़ा है। चलिए।